everyone so today we will learn or study uh, question and answers okay 11th class first lesson the portrait of lady okay it's a very important question for your upcoming quarterly examination okay 2023 so let's start first question द थ्री फेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड है ना इसमें आपको क्या बताना है थ्री रीजन्स है ना ऐसे तीन रीज़न कौन से थे है ना जो लेफ्ट लेफ्ट द कंट्री जब अपना अपना जो कंट्री है लेफ्ट करने के बाद जो खुचवंत सिंह है वो स्टडी करने कहाँ चले गए थे एब्रॉड चले गए थे ठीक है एब्रॉड गए थे तो इसमें आपको थ्री फेस के फॉर्म में क्या करना है क्वेश्चन का आंसर आपको मेंशन करना है ठीक है सो फर्स्ट फेस क्या है दिस वाज द पीरियड ऑफ द ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड है ना सबसे पहले इसमें अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताया है ठीक है कि बचपन का शुरुआती दौर कैसा था है ना ड्यूरिंग द फेस ही यूज टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज है ना जो खुशवंत सिंह थे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में कहाँ रहते थे विलेज में रहते थे ठीक है अर्ली चाइल्डहुड है ना एक बचपन की हम बात इसमें क्या कर रहे हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं बता रहे हैं ठीक है यूज़ टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर है ना इन विलेज ग्रैंड मदर यूज़ टू टेक केयर ऑफ हिम वॉकिंग हिम अप एंड गेटिंग हिम रेडी टू ए हिम टू द स्कूल बोथ शेयर अ गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर ठीक है क्या है यहाँ पे Uh, सबसे पहले तो बचपन के बारे में यहाँ पे बताना है फर्स्टली हमें बचपन के बारे में यहाँ मेंशन करना है एंड सेकंड उनकी जो ग्रैंड मदर थी हमेशा टेक केयर करती थी उनका ध्यान रखती थी उनके साथ में क्या करती थी जाती थी उनको रेडी करती थी गेटिंग हिम रेडी ए कंपनिंग हिम टू द स्कूल स्कूल के लिए उन्हें रेडी करती थी है ना उनके साथ जाती थी और उनका साथ देती थी बोथ शेयर अ गुड फ्रेंडशिप है ना और दोनों के बीच में बोथ खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर है ना बहुत ही एक गुड फ्रेंडशिप थी ठीक है बहुत अच्छी दोस्ती थी उन दोनों के बीच में तो फर्स्ट फेज में ये आप क्या करोगे मेंशन करोगे एंड सेकेंड फेज की बात करते हैं इट वॉज़ द टाइम वेन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर मूव टू द सिटी टू लिव विद द ऑथर्स पेरेंट्स है ना क्या हुआ जो सेकेंड फेज था ठीक है सेकेंड टाइम था इसमें हम बात करेंगे कि जो खुचवंत सिंह है है ना उनके पेरेंट्स कहाँ शिफ्ट हो गए थे सिटी ठीक है सिटी तो दिस वाज़ द टर्न, टर्निंग टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप है ना बिकॉज नाउ दे शो ले शॉफ़ इच अदर ठीक है तो टर्निंग पॉइंट जब खुचवंत सिंह के पेरेंट्स कहाँ शिफ्ट हो गए थे सिटी शिफ्ट हो गए थे तो वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया था ठीक है तो एक दूसरे को काफ़ी काफ़ी कम देखते थे ठीक है एक दूसरे से काफ़ी कम न, मिलते भी थे और देखते भी थे ठीक है तो नाउ द ऑथर्स ग्रैंड मदर डिडन्ट गो टू द स्कूल विथ हिम तो उस टाइम की हम बात करेंगे दैट टाइम उनकी जो ग्रैंड मदर है खुशवंत सिंह के साथ में स्कूल नहीं जाती थी ठीक है <coughs> दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडसिप बिकॉज नाउ देश और लेश ऑफ इच अदर एक वहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट आया था जब खुसवंत सिंह के पेरेंट्स कहाँ पर पे शिफ्ट हुए थे सिटी में शिफ्ट हुए थे नाउ द ऑथर्स ग्रैंड मदर डिडेंट गो टू द स्कूल विथ हिम द ऑथर यूज टू गो टू द स्कूल बाय मोटर बस है ना क्योंकि जो खुशवंत सिंह है वो स्कूल मोटर बस है ना मोटर बस से स्कूल जाया करते थे द ग्रेंड मदर वॉज अनहैप्पी अबाउट द थिंग्स द स्कूल वॉज टिचिंग हिम सी नो रेयरली टॉक्ड टू हिम और बहुत कम रेयरली ही खुशवंत सिंह और जो उनकी ग्रैंड मदर है उनके बीच में क्या होती थी बातें होती थी और उनकी जो ग्रैंड मदर है उनसे बात कर पाती थी बहुत ही कम होता था रेयरली होता था ठीक है एंड थर्ड पॉइंट इट वॉज़ द टाइम वेन द ऑथर ज्वाइंट यूनिवर्सिटी है ना जब ऑथर ने क्या किया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ इज ओन एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड है ना क्योंकि उनको एक सिंगल कॉमन रूम दिया गया ठीक है और यहीं पे एक फ्रेंडशिप में एक स्नैप्ड आया ब्रेक है ना ब्रेक हम कह सकते हैं स्नैप्ड मीन्स ब्रेक ग्रैंड मदर टर्न टू व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑल डे लॉन्ग सी एक्सेप्टेड सेक्यूलिजन विथ साइलेंस साइलेंस ओके एन सी ई साइलेंस सो टर्निंग पॉइंट जब यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गए थे ठीक है तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी भाई चरखा घुमाती थी प्रेयर्स को रिसाइड करती थी पूरे दिन भर और हमेशा उन्हें मोन के साथ अपना एकांत स्वीकार कर लिया था ठीक है सी एक्सेप्टेड सेक्युलिजन विद साइलेंस है ना एक साइलेंस भी उन्होंने क्या कर लिया था एक्सेप्ट कर लिया था तो ये थ्री पॉइंट्स ऑफ इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो मेंशन कर सकते हो सेकेंड क्वेश्चन थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल है ना उनकी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है है ना कि ही स्टार्ट गोइंग टू द सिटी स्कूल जब उन्होंने सिटी स्कूल है ना सिटी स्कूल में जब वो स्कूल जाना स्टार्ट किए तो उनकी ग्रैंड मदर क्यों डिस्टर्ब हो गई क्यों परेशान हो गई ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट देर वॉज़ नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर है ना वहाँ गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में क्या नहीं किया जाता था पढ़ाया नहीं जाता था ठीक है एंड सेकेंड पॉइंट सी कूडेंट हेल्प हिज इंग्लिश एंड साइंस लेसन्स है ना क्योंकि वो इंग्लिश और साइंस लेसन में भी हेल्प नहीं कर पाती थी ठीक है सी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक म्यूज़िकसन्स एस सी कंसिडर्ड म्यूज़िक सुटेबल ओनली फॉर पीपल विथ लो डिग्निटी है ना वो अनहैप्पी रहती थी ठीक है क्योंकि जो म्यूज़िक का आइडिया जो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो सी वॉज ऑलवेज हेट आइडिया ऑफ म्यूजिक है ना आइडिया ऑफ म्यूजिक को ऑलवेज क्या करती थी हैट करती थी है ना इसलिए तो ये थ्री वेज आपको क्या करना है मेंशन करना है इसमें थर्ड क्वेश्चन है थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप तीन तरीके जिनसे लेखक की दादी ने अपने दिन बिताए जब वह बड़ा हो गया था ठीक है जब ग्रू अप ग्रू अप मीन्स बड़ा होना ओके ग्रू अप मीन्स बड़ा ठीक है जब कुशवंत सिंह क्या हो गए थे भाई बड़े हो गए थे ठीक है तो थ्री द थ्री व्ही इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज ऑफ्टर ही ग्रू अप आर ही स्पिनिंग व्हील्स व्हील घुमाती थी चरका घुमाती थी रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पेरोस है ना स्पेरोस बर्ड्स को क्या करती थी फीडिंग करती थी और प्रेयर गाया करती थी फोर्थ क्वेश्चन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स बिहेव्ड जस्ट बिफोर सी डाइड ओके अजीब तरीके का व्यवहार है ना बिहेवियर जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया है ना जस्ट बिफोर सी डाइड है ना जो एक अजीब तरीके का जो बिहेवियर है खुशक सिंह की दादी ने मरने के पहले किया ठीक है तो वो क्या बिहेवियर था वाट इज द बिहेवियर ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेवड इन एन ओड मैनर है ना एक ओड मैनर में बिहेव करती थी उनकी जो दादी थी she told the family she was near end है ना क्योंकि उनकी जो near end okay she told everyone that she had omitted to pray in the last phase of her life है ना वो prayer भी नहीं गाया करती थी ठीक है उसका जब last time आया था so she was not going to waste any more time टॉकिंग टू देम है ना और कुछ भी टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी और किसी से बात करके सी ले पीसफुली इन अ बेट प्रे एंड टेलिंग हर बीट्स है ना और क्या करती थी प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए ठीक है बेट पर क्या कर एकदम पीसफुली लेटी हुई थी द वे इन विच द स्पेरोज एक्सप्रेस्ड देयर सारो वेन द ऑथर्स ग्रेंड मदर डाइड है ना यहाँ पे हमें ये करना बताना है कि वह जब द, दादी की मृत्यु के समय जो स्पेरोज थे है ना उन्होंने किस टाइप का अपना एक दुख है ना सारो व्यक्त किया है ना तो द ऑथर ग्रेंड मदर हैड डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द स्पेरोस क्योंकि जो कुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी है ना स्पेरोस के साथ में उनका काफ़ी ज़्यादा क्या था वही रिलेशनशिप था क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना वो स्पेर को क्या करती थी फीडिंग करती थी ठीक है तो एक्सप्रेसड देयर सारोज बाय सिटिंग स्केटेड इन वारांडा मॉर्निंग है ना वारांडा में एक बरामदा होता है वहाँ पे क्या हुए थे भाई बैठे हुए थे ठीक है वहाँ पे बैठ के अपना क्या कर रहे थे दुख व्यक्त कर रहे थे सी डिड नॉट चिरप है ना चिरपिंग सी डिड नॉट चिरप और चिरपिंग है ना एकदम शांत बैठे थे है ना वेन द ऑथर्स मदर थ्रू सम पीसेस ऑफ ब्रेड तो दे शोड नो इंटरेस्ट जब ब्रेड के पीसेस थ्रू थ्रू किया गया ठीक है बर्ड्स के पास तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था ठीक है कोई इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया वेन द कैरिट ग्रैंड मदर कॉर्पस ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली है ना वहाँ से जैसे ही ग्रैंड मदर की जो कॉर्पस ऑफ है जैसे ही उसको कैरी किया गया है वैसे ही जो बर्ड्स है वो क्वाइटली वहाँ से क्या हो गए उड़ गए ठीक है तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये मेंशन करना है